दहम जमात के तलबा, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम क्लास का ऑनलाइन क्लास में इस्तकबाल है। आज हम दहम जमात में पहली कविता जो है संतवाणी, उसका पहला हिस्सा है शेख मोहम्मद सांगती सेव, इस तरह का टॉपिक रहेगा। ये दहम जमात की किताब है और ये पेज नंबर निकाल कर देखेंगे आप लोग और तमाम लोग मुतवज्जह करिएगा। प्यारे बच्चों, आज हम शेख मोहम्मद सांगती सेव इस कविता के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। शेख मोहम्मद शेख ये 17वीं सदी के जो हैं के शायर हैं और इन्होंने अच्छा कुछ का मतलब हिंदी, उर्दू, फारसी, ये तमाम ज़बानों में उन्होंने शायरी की है और बहुत सारे ऐसे अदब भी लिखा है, जिसमें से एक आज हम पढ़ने जा रहे हैं। उन्वान है इसका शेख मोहम्मद सांगती सेव। तमाम लोग तवज्जो देंगे इस तरफ। मैं सबसे पहले आपको कविता पढ़कर बताता हूँ, फिर हम डिस्कस करेंगे और एक एक लेके एक शेर जो है उसको खुलासे से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। समाप्त पर आएगा संतवाणी, जिसके कवि हैं शेख मोहम्मद सांगती सेव, और शेख मोहम्मद उन्वान है शेख मोहम्मद सांगती सेव, जिसके शायर है संत शेख मोहम्मद। वो कहते हैं कि केकतीला काट्याचे वेढ़े भीतरी निपजती केवड़े, तैसे साधुचे शब्द गाड़े परोपकारा लागी, फणस सर्वांगी कांट वले भीतरी महागोड़ी ने कोंदले, तैसे साधु हृदय जाले बोधा संगे परियेसा, नारळ कठिन दिसे बाहेर, नारळ कठिन दिसे बाहेर भीतरी खोबरे अरुवार, तैसे साधुचे अंतर बोधे ओसंडले, ऐसा सद्गुरुशी धरा भाव तो कैसा करावा उपाव, शेख मोहम्मद सांगती सेव सभे श्रोत्यान प्रति, शेख मोहम्मद सांगती सेव सभे श्रोत्यान प्रति। इस तरह की एक कविता है। एक कविता के अंदर जो बातें शेख मोहम्मद साहब ने कही है, अच्छा अब बहुत से बच्चों के उन मन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गए, शेख मोहम्मद साहब है कौन? ये जो है ये मराठी अदीब के बहुत बड़े शायर रह चुके हैं और इन्होंने बहुत सारा अदीब लिखा है मराठी में। ये कविता जो है और उनकी जो नज्म हुआ करती थी, उनकी जो कविता हुआ करती थी, समाज को प्रबोधन करना, समाज में तब्दीली लाना, समाज की बुराइयाँ ख़त्म करना, ये सब तमाम पर उन्होंने लिखा है। अब ये जो कविता हमारे सामने आई है संतवाणी, अब संतवाणी के माने होता है संतों की जुबानी। अब संत किसे कहेंगे? ऐसे नेक लोग जो समाज को सुधारने की कोशिश करते हैं या समाज उनके पैरवी करता है, उनके नक्श कदम पर चलता है और अपनी जिंदगी को कामयाब बनाता है, तो उन्हीं को संत कहते हैं। अब हम देखेंगे इसमें, मैं पहली पढ़ी जो पकड़ी जा रहा हूं, पहली कड़ी देखिएगा, केक तीला काट्याचे वेढ़े भीतरी निपजती केवड़े। एक केवड़े का जो झाड़ है, दरख्त कहते हैं पर केवड़ा, केवड़ा ये फूल की पौधा है केवड़ा, ये केवड़े का फूल जो होता है, ये जो केवड़े का पौधा जो होता है वो ऐसे जगह खिलता है, ऐसे उपजता है कि जिसके इर्द गिर्द पूरे कांटेदार जालियां होती हैं और वो कांटेदार जाली में खूबसूरत फूल निकल आता है। बेहतरीन निपजती केवड़े, उसके अंदर जो खुशबू भरी हुई है, उसके अंदर जो खुशबू लगी है, खुशबू आती फूल से, हालांकि इतने कांटेदार जाली में मतलब पौधे के अंदर फूल खिला है फिर भी इतनी खुशबू है, तैसे साधु चे शब्द गाड़े परोपकारा लगी। साधु, साधु कैसे बोलेंगे? साधु, साधु,
साधु वो शख्स है जो समाज को सुधारने की कोशिश करता है, जो समाज में आवाम को, लोगों को अच्छा रास्ता दिखाता है, नेक रास्ता दिखाता है। जैसे हमारे साहबा कराम है, पैगंबर हजरात हैं, तो इन्होंने जितने भी हम लोग को नेक रास्ता दिखाए, तो ये सब साधु लोग का काम है, सब ये पैगंबरों का काम है, सूफी लोगों का काम है। उन्होंने कहा है कि तैसे साधु जो शब्द गाड़े परोपकारा लगी, यहाँ पर एक शब्द आया परोपकार। देखिए परोपकार, इसका अगर जोड़े इस तरह पर, देखो पर उपकार इस तरह बनता है, पर मतलब दूसरों पर एहसान करना, दूसरों पर एहसान करना मतलब लोगों को मदद करना, उनको अच्छा रास्ता दिखाना, उनको नेक रास्ते की तरफ लेकर जाना। ये सब बातें ये संत लोग ये लोग अपनी शायरी में कहा करते हैं, जिस तरह के शेख मोहम्मद साहब ने कही है। तैसे साधु जो शब्द गाढ़े परोपकार लागी, साधु के जो शब्द होते हैं, जो गाढ़े शब्द मतलब कैसे, जिसमें दर्द है, जिसमें इल्तिजा है, जिसमें गुजारिश है, एक मैसेज है कि समाज को सुधारने के लिए संत जो है, साधु जो है कि गिड़गिड़ा कर कह रहा है कि मेरी बात मानो। जैसे हमारे यहां पर बयानों में होता है, उलमा कराम फरमाते हैं कि नमाज दीन का सुतून है, नमाज सख्ती है, सबके लिए कंपलसरी है, नमाज माफ नहीं है, और जो बुराई के लिए बुरा कहा जाता है, अच्छे के लिए अच्छा कहा जाता है, ये तमाम बातें साधु संत लोग कहते हैं। परोपकार अलग है, परोपकार किसको बोलते हैं, दूसरों पर एहसान करना, दूसरों की मदद करना, दूसरों पर एहसान करना, दूसरों की जो मुसीबतों में जाकर शरीक होना और उनको जो है उस मुसीबत से निकालना, ये सब परोपकार के दायरे में आता है। कहा उन्होंने, देखो कि अब चंद मिसालें उन्होंने दी है, चंद मिसालें दी किस तरह के, देखो पहली मिसाल है कि फणस सर्वांगी काटवले, देखो कितना प्यारा शब्द है फणस, फणस फणस आप तमाम लोग खाते हो इसको तो बड़ा मीठा होता है, कटहल कहते हैं इसको, कटहल, फणस कठिन दिसे बाहर, कटहल बाहर से कितना खुरदुरा दिखता है और कितना सख्त नजर आता है, लेकिन क्या कहते संत शेख साहब, देखो भीतरी खोपरे और बाहर, भीतरी अंदर खोपरे में खोपरे की तरह मीठा मगध निकल आता है, जो खाओ तो कितना प्यारा लगता है, कितना मीठा और कितना स्वादिष्ट लगता है। तैसे साधु हृदय झाले, उसी तरह ये सिर्फ ये सूफियों का, ये नेक लोगों का दिल उसी तरह होता है, ऊपर से सख्त होता है लेकिन अंदर से नर्म मुलायम होता है। जैसे कि यहाँ पर कहा गया साधु के बारे में, बोधा संघ परियस है ना, कि परियस जो लोग ऊपर से सख्त दिखाई देते हैं वो हमेशा दिल के बड़े नर्म और मुलायम होते हैं और नर्म मिजाज के होते हैं। जिस तरह कटहल ऊपर से सख्त है लेकिन अंदर से जो फल खाने मिलता है बड़ा ही मीठा और बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। फिर दूसरी मिसाल उन्होंने पेश करी है, नारल कठिन दिसे बाहर, देखो कठिन शब्द हमेशा इस तरह से लिखा जाता है, कठिन, हाँ कठिन का मतलब सख्त, जो नारियल होता है ऊपर से कितना सख्त होता है, अगर कितना दो तीन बार भी पटको तो फूटता नहीं है, और दो तीन बार पटकने के बाद सख्त टोल उस पर वार करने के बाद ही फूटता है। नारल कठिन दिसे बाहर, नारियल ऊपर से कितना सख्त और खुरदुरा दिखता है, भीतरी खोबरे और वार, अंदर जो है कि खोपरा निकलता है और वैसा खोपरा जिसको खाने से हम लोग को मजा भी आता है, उससे भूख भी मिटती है और पानी भी होता है उसमें अंदर। तैसे साधु से अंतर बोधे ओसंड ले, साधु लोग का, नेक लोग का, अब हमारे नजदीक नेक कौन है, हमारे असातिज़ा कराम है, हमारे वालदेन है, हमारे उलमाए कराम है, हमारे हफ्फाज कराम है, हमारे शेखुल हदीस है, जितने भी नेक रास्ता दिखाते वो सब हमारे लिए नेक लोग हैं। तो नारियल ऊपर से खड़बड़ा दिखने वाला, अंदर मीठा फल है, ऊपर से जो है कि फनस कटहल खड़बड़ा दिखाई देता है, अंदर मीठा है, मतलब कि जैसा जो ऊपर से दिखाई देता वैसा नहीं होता है, उसकी खूबी अलग होती है। उसके बाद क्या कहते हैं, ऐसा सदगुरु सी धरा भाव तो कैसा करवा पाओ। अब आपको अगर ऐसे लोगों के नक्शे कदम पर चलना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा सदगुरु सी धरा भाव, आप ऐसे लोग का एहतराम करो, उनको फॉलो करो, तो कैसा करवा पाए, तो फिर उसका हल क्या है हमारे पास,
हमें क्या करना चाहिए? शेख मोहम्मद सांगति सेव सभी श्रोत्रां प्रति, श्रोत्रां प्रति। यहां पर देखो श्रोता शब्द है, श्रोता या है श्रोता। हाँ, श्रोता का मतलब होता है सामयिन, सामयिन हजरात। श्रोता का मतलब होता है सामयिन। तो ये तमाम जो सामयिन हजरात जो है उनको कह रहे संत शेख मोहम्मद कि जिस तरह से कटहल की मुसीबत, जो सख्त कटहल होने के बाद भी वो अंदर मीठा फल है, ऊपर से नारियल सख्त है लेकिन फिर भी अंदर से जिसमें पानी भी निकलता है मीठा और खोपरा भी मिलता है खाने के लिए, इसी तरह जो सख्ती करने वाला उस्ताद है, सख्ती करने वाले जो उलमाए किराम है, जो हमारे मुफ्ती किराम है, जो जितने भी हमारे लोग हैं जो सख्ती बरतते हमारे साथ, समझना उनके दिलों में भी एक ममता भरा प्यार होता है हमारे ताल्लुक से, और सख्ती दिखाने के लिए होती है। अगर सख्ती नहीं दिखाए तो फिर बच्चों पर असर ही नहीं रहेगा। इसीलिए कहते हैं ऐसा सदगुरु से धरा भाव तो कैसा करा हो पाओ, शेख मोहम्मद सांगति सेव सभी श्रोत्या प्रति। अगर हमने इस तरह से अगर अमल किया है सही थे तो हमारी जिंदगी भी कामयाब हो जाएगी और हम बड़ों को एहतराम भी करने वाले बनेंगे और हमारी जो गलतियां रहेंगी वो भी सुधर जाएगी और अच्छे से हमारी जो है कि जिंदगी हम गुजारने की कोशिश करेंगे। और इस तरह के शेख से संतवाणी का पहला जो हिस्सा था शेख मोहम्मद सांगति सेव, इसके अंदर जो मैसेज आपको दिया गया है वही जो है आपको कहा गया है। इसके अंदर एक खास बात ये कही गई थी शुरू में कि इंसान को जो है कि अंदरूनी जो अपने अंदर की जो बात है, अपने अंदर जो खूबियां है वो पहचानते आना चाहिए। हमारे अंदर कितनी अच्छाइयां है ये इंसान को पहचानते आना चाहिए। और जिसको समझ में आ गया है कि मेरे अंदर कौन सी खूबी होना चाहिए, मेरे अंदर कौन सी सिफात आनी चाहिए, अगर ये हो गया तो फिर वो कामयाब। तो ये हमारे आज की कविता थी संतवाणी, इसकी जो सवाल जवाब है अगले पीरियड में हम आपको लिखा देंगे। और बाकी तमाम लोग जो है इस कविता को अच्छे से पढ़कर और फिर अगर कुछ दुश्वारी रहे आप हमसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।